गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू रीड यूनिट 5 नाउन। डियर स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए नाउन। डियर स्टूडेंट, द डेफिनेशन ऑफ नाउन इज ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस, एनिमल और थिंग। डियर स्टूडेंट, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से the naming word is noun। dear student, संज्ञा noun means संज्ञा, and you know very well what is the definition of noun। dear student, a noun is the name of person, palace, animal or thing। एक noun एक व्यक्ति, स्थान, जानवर और वस्तु का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, रितेश इज द नेम ऑफ पर्सन, काउ इज द नेम ऑफ एनिमल, दिल्ली इज द नेम ऑफ पैलेस, पेंसिल्स इज द नेम ऑफ थिंग। डियर स्टूडेंट, इज दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नाउन। डियर स्टूडेंट, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकारों के बारे में अपन जानते हैं। नाउन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। डियर स्टूडेंट, संज्ञा को भिन्न भिन्न अवधारणाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है। डियर स्टूडेंट, नाउन यहाँ हियर HRD इज गिवन। डियर स्टूडेंट, यू कैन से नाउन फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। डियर स्टूडेंट, नाउन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस, एंड द नाउन आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज कॉन्क्रीट नाउन? कॉन्क्रीट नाउन नाउन दीज हैव फिजिकल शेप्स। डियर स्टूडेंट, कॉन्क्रीट नाउन मीन्स दीज हैव फिजिकल शेप्स। एंड सेकेंड वन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दीज हैव नो फिजिकल फॉर्म्स और शेप्स। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्क्रीट नाउन पर्सन्स, पैलेस, एनिमल्स, कॉन्क्रीट थिंग्स लाइक चेयर, बुक, एक्सेट्रा, दीज आर कॉन्क्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दीज आर दीज हैव नो फिजिकल फॉर्म एंड शेप्स। एंड दीज कांट बी टस्ट। फॉर दीज आर क्वालिटीज, फीलिंग्स, इमोशंस, स्टेट इन विच समथिंग इज, फॉर एग्जाम्पल जॉय, सोरो, काइंडनेस, हैप्पीनेस, फाइट, एक्सेट्रा, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डियर स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी, द नाउन्स आर क्लासिफाइड हैज काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। डियर स्टूडेंट, काउंटेबल नाउन, दीज कैन बी काउंटेड हैज 1, 2, 3। फॉर एग्जाम्पल बॉयज, टू बॉयज, बुक्स, पीपल, चेयर्स, एक्सेट्रा। एंड अनकाउंटेबल नाउन, डियर स्टूडेंट, अनकाउंटेबल नाउन, दिस कांट बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, गोल्ड, ऑनेस्टी, फियर, पावर, एक्सेट्रा। एंड इन बोथ सेंस नाउन्स आर ऑफ 5 काइंड्स। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं तो इन ब्रॉड सेंस, विस्तृत सेंस में नाउन्स 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, पैलेस, थिंग, एक्सेट्रा। डियर स्टूडेंट, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल रंजीत, धौलपुर, डॉलीसेफ, अर्थ, एक्सेट्रा। सेकेंड वन, कॉमन नाउन। डियर स्टूडेंट, कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ
common for all places, persons, animals or things of the same kind. Next, collective noun. Dear student, third one, collective noun. It is the name of group of similar things, persons, animals. For example, team, class, committee, army, etc. Next, material noun. Dear student, it is the name of materials or substances which are uncountable. For example, milk, gold, water, sugar, etc. And next, abstract noun. It is the name of such things which has no physical existence. Dear student, abstract, bhavvachak singular. And it is the name of such things which has no physical existence. For example, happiness, fear, pity, flight, etc. Dear student, now we read in detail kind of nouns. Concrete nouns are classified on the basis of different parameters. For example, on the basis of physical existence, the noun are of two types: concrete noun and abstract noun. Concrete noun, these are have physical shapes. For example, persons, place, animals, concrete things like chair, book, etc. Abstract noun, these have no physical forms or shapes, and these can't be touched. These are qualities, feelings, emotions, states in which something is. For example, joy, sorrow, kindness, happiness, flight. Next, on the basis of countability, the nouns are classified as the countable noun. These can be counted as 1, 2, 3. For example, boys, books, people, chairs. Uncountable noun, these can be cannot be counted. For example, male, gold, honesty, fear, power. Next, third, in broad sense, nouns are of five types, five kinds. First, a proper noun. It is the name of particular person, animal, place or thing. For example, Ranjit, Dolpur, Dolisip, Earth. Next, common noun. It is the name common for all places, persons, animals, things, the name of kind. For example, boy, city, cow, plant. Collective noun, it is the name of group of similar things, persons, animals. For example, team, class, committee, army. Material nouns, it is the name of material substances which are uncountable. Milk, gold, water, sugar. Abstract noun, it is the name of such things which has no physical existence. Happiness, fear, pity, flight, etc. Keep in mind, proper nouns begins with capital letter, dear student, and collective nouns are treated as single unit or singular. Next, material nouns are used in the singular form. No article is used before a material noun. Abstract nouns cannot be touched. Thank you.